नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात होगी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान की, अडानी मुद्दे पर अपनों के ही निशाने पर आए राहुल गांधी की, और संबल हिंसा में सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं नजर। महाराष्ट्र में दुर्घटना, गोंदिया में राज्य परिवहन बस पलटने से 9 लोगों की मौत, 25 घायल। हमें अमेरिका से कोई अनुरोध नहीं मिला, अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई सामने। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सिद्धरमैया, कर्नाटक में विकास परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली में बदहाल होती कानून व्यवस्था पर अमित शाह चुप क्यों है, केजरीवाल ने बोला बड़ा हमला। जेएनयू में 2017 से अब तक मिली 151 यौन उत्पीड़न की शिकायत है, आरटीआई में हुआ खुलासा। जीएम सीट्स पर बैन लगाने की मांग को लेकर राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ शुरू किया जागरूकता अभियान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाई निंदा प्रस्ताव की मांग। सोने का भाव फिसला, चांदी स्थिर, 76,340 हुई 22-24 कैरेट गोल्ड की कीमत। निवेशक लौटे तो हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 759 अंक चढ़ा, निफ्टी फिर 24,000 के ऊपर। बड़ी खबरों के बाद तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के चुनाव के लिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मीटिंग चल रही है। गुरुवार देर रात हुई बैठक में अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के तमाम कद्दावर नेताओं की मीटिंग हुई। महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर गुरुवार देर रात तक अमित शाह के आवास पर महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक हुई। ये बैठक तकरीबन 2 घंटे तक चली, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जहां महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। हालांकि अगली सरकार के गठन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 7 दिसंबर से पहले हो सकता है। गुरुवार रात में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति के तीनों बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में अमित शाह के सामने तीनों नेताओं ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। इस बीच शिवसेना के सूत्रों ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने सीएम पद छोड़ने के बदले कम से कम 10-12 मंत्रालयों की मांग की है, जिसमें गृह और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। हालांकि इस मुलाकात की एक तस्वीर कई चीजें साफ कर रही है। अमित शाह ने जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के हाथों में फूलों का गुलदस्ता थमाया तो ये बात साफ हो गई कि राज्य में बतौर सीएम किसकी ताजपोशी होने वाली है। अब खबरें हैं कि नई सरकार में भाजपा कम से कम 20 मंत्रालय अपने पास रखेगी। वहीं महाराष्ट्र चुनावों में महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अगले सीएम के नाम के लिए भाजपा नेतृत्व के फैसले का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे और इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही महाराष्ट्र में सीएम के नाम से पर्दा हट सकता है। ये तो आपने देखा कि महाराष्ट्र का हाल क्या है। अब इसी के साथ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है और साथ ही देश में इन दिनों अडानी का मुद्दा जोरों पर चल रहा है। ये मुद्दा ऐसा है जिसे कांग्रेस बार बार उठा रही है। वहीं अडानी मुद्दे को लेकर आज चौथे दिन भी कांग्रेस पार्टी ने संसद में ये मुद्दा उठाया। बता दें कि राहुल गांधी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को हर रोज संसद में घेर रहे हैं, पर अब ये ज्यादा दिन और नहीं चलने वाला, क्योंकि अब वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। जी हां, इंडिया गठबंधन की साथ ही तृणमूल कांग्रेस और माकपा का तो अब बिल्कुल साथ नहीं मिलने वाला। समाजवादी पार्टी का रुख भी इस संबंध में बहुत पॉजिटिव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जहां टीएमसी और माकपा को अपने राज्यों के विकास की चिंता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को संबल हिंसा जैसे मुद्दों पर बात न होने की चिंता है। टीएमसी और माकपा ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो अडानी के मामले में राहुल गांधी के साथ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने तो यहां तक फैसला ले लिया कि शीतकालीन सत्र के दौरान ऐसे किसी भी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगी जिसे कांग्रेस की ओर से उठाया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, पर यह निश्चित है कि अभी वो अडानी मुद्दे पर खुलकर नहीं साथ है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर क्यों अडानी के खिलाफ जबरन माहौल बनाना चाहते हैं। टीएमसी ने कांग्रेस से दो टूक में कह दिया है कि अडानी का मुद्दा बहुत हो गया,
हम चाहते हैं कि इसके अलावा जनता से सीधे जुड़े मुद्दे भी हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। अडानी के मुद्दे पर अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या डीएमके, कोई भी अडानी के खिलाफ एक बार भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी सदन की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस आलाकमान को सीधे तौर पर समझाया है। सपा का कहना है कि आप अडानी का मुद्दा तो रोज उठा रहे हैं, लेकिन संभल का मुद्दा हमारे सामने क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। दरअसल विपक्ष को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अडानी को मुद्दा बनाने के बाद भी कांग्रेस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, इसीलिए ये मुद्दा ही बेवजह लग रहा है। विपक्ष को पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2017-18 में फ्रांस के राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था, पर जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 का पूरा कैंपेन राफेल पर पूरे भ्रष्टाचार पर कथित तौर पर रख दिया था, चौकीदार चोर है कैंपेन चलाया था, लेकिन इसका पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। यही कारण है कि राहुल गांधी को अडानी मुद्दे पर न जनता से और न ही साथी दलों से जोरदार समर्थन मिल पा रहा है। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। संभल में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। मस्जिद पर विवाद को लेकर हो रही सुनवाई में लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्षकारों को फौरन राहत दी है। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट संभल जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका को लेकर अब तक आगे ना बढ़े, जब तक सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध ना हो। यानी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खोली जाएगी। वहीं कोर्ट ने आगे सुनवाई की तारीख 8 जनवरी को दी है। तब तक प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने के आदेश यूपी सरकार को दे दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में शांति व्यवस्था बनाकर रखी जानी चाहिए, यानी ट्रायल कोर्ट अब इस मामले में 8 जनवरी तक कोई आदेश नहीं दे पाएगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद संभल में जुमे की नमाज के मद्देनजर टाइट सिक्योरिटी रही। दूसरी ओर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। पूरा शहर अलर्ट पर रहा, चौपे चौपे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद पूरी व्यवस्था रखी और विशेष कदम उठाए। बता दें कि संभल में मुगल शासक बाबर के युग में बनी जामा मस्जिद पर इस बात को लेकर विवाद है कि यहां पहले हरिहर मंदिर था जहां पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक वकील ने कोर्ट सर्वे की मांग के साथ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसको लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध भी किया, बाद में हिंसा भड़की और 4 लोगों की जान चली गई। पुलिसकर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला संभल में घटित हुआ। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन जाते जाते एक अहम मुद्दे से आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का राउंड 2 चल रहा है। जी हाँ, जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश बड़े चाव से देख रहे हैं। हिंदुओं को जिस तरीके से मारा काटा जा रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र भी चुप है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग और दुनिया भर में काम करने वाले तमाम मानवाधिकार संगठन इस वक्त चुप है, क्योंकि जिनको मारा जा रहा है, जिनको काटा जा रहा है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके यहां लूट की जा रही है, जिनकी बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो सब तो हिंदू हैं। गाजा में एक भी मस्जिद पर हमला होता है तो पूरी दुनिया, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया तक बड़ा बवाल खड़ा होता है, लेकिन बांग्लादेश में मंदिरों को आग के हवाले होता देख, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित होता देख बड़े खुश हो रहे हैं कुछ लोग। किसी की जुबान पर उफ तक नहीं निकल रही है। देखा जाए तो बांग्लादेश में शेख हसीना को पद से हटाने के बाद कट्टरपंथियों ने शासन करने के लिए जिन मोहम्मद यूनुस को चुना, वो तो सबसे बड़े कट्टरपंथी निकले। मोहम्मद यूनुस की आंखों के सामने हिंदुओं का खून बह रहा है और वो कह रहे हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब किसी हमले में मुस्लिमों की मौत होती है तो पूरी दुनिया विरोध प्रदर्शन करती है और संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाकर निंदा प्रस्ताव पास कराया जाता है और शांति की अपील की जाती है। लेकिन ढाका और बांग्लादेश के अन्य इलाकों में हिंदुओं का खून बह रहा है तो इसे एक देश का आंतरिक मामला बताया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से इतने खून खराबे पर भी काम खामोश हैं और मुस्कुरा के सब कुछ देख रहे हैं, उसके चलते उनका नोबेल शांति पुरस्कार छीना
जा सकता है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस को लाया ही इसीलिए गया था ताकि वो कट्टरपंथियों को मनमानी करने की आजादी दे सकें। ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर अगर यूनुस नहीं बोलते हैं तो उनके साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। इस्लामिक देश से उसी तरीके से हिंदुओं का सफाया किया जा सके जिस पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने यहां से कर दिया। ऐसा प्लान यूनुस का कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश में शुरू हुआ आंदोलन अब हिंदू विरोधी आंदोलन का रूप ले चुका है। बहरहाल बांग्लादेश से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, उससे भारत के हिंदुओं को भी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का अर्थ समझ आ जाना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति बता रही है कि अगर हिंदू कटेंगे तो दुनिया में कहीं कोई आवाज नहीं उठेगी और कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसीलिए एक है तो सेफ है, ये कोई चुनावी नारा नहीं बल्कि जान बचाने का मंत्र बन सकता है। फिलहाल आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।